नमस्कार, इंटरनेट न्यूज में आपका स्वागत है। जीवित महिला को मृता घोषित कर दिया नगर पालिका उत्तर प्रदेश बलिया जिले में थाना रसड़ा के अंतर्गत वार्ड नंबर 15 के मैमुनैसा 55 वर्षीय रहने वाली है। इस ओर महिला के छोटे लड़के शमशाद अंसारी ने नगर पालिका के कर्मचारियों से मिली वगैरह से इस महिला को मृता घोषित कर दिया है और सभी धन दौलत अपने नाम करा लिया है। अब यह महिला न्याय के लिए उच्च अधिकारी व पुलिस प्रशासन से न्याय के लिए गुहार लगा रही है। यह महिला अपने बड़े लड़के यहाँ रहती है। यह सवाल यह उठ रहा है कि इस महिला के साथ न्याय मिल नहीं रहा है कि नई पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। क्या नाम है आपका? मैमुनैसा। कहाँ की रहने वाली है? रसड़ा। अच्छा, क्या हुआ है आपके साथ? हमारा साथ दुकान मकान सब अपना नाम लिखवा लेने बा, हमने के मार के भगा दल बा। कौन? शमशाद। शमशाद कौन है? शमशाद लड़का। आप एसडीएम रसड़ा को एक दरखास्त दी है जिसमें आपको मृतक घोषित किया गया है। हाँ। तो आप तो जिंदा हैं, तो फिर आप मृतक कैसे हुए? तो उहे ना बना ले बा लिखवा ले बा। और ये कहाँ मृतक घोषित कर गई बा? नगर पालिका में कहाँ पे? हाँ, नगर पालिका में कर बा। नगर पालिका में? हाँ। के कहले बा? शमशाद। शमशाद, लेकिन आप तो जिंदा बानी। हाँ। जनवरी के महीना 2021 साल है। हाँ। और आपके मृतक कौन साल पहले घोषित कर गई बा? 3 साल। 3 साल हो गए। हाँ। जानकारी ना भेले बीच में? ना। कब जानकारी भेला? जब हमके भगा देल हस, उनके भगा देल हस, तब जाके मालूम भेल। आप ऊपर के अधिकारी से का कहल चाहत हनी? हम चाहत हनी मकान दुकान उनके नाम से हो जाए। हमारे शहर के शहर अभी जिंदा बने? हाँ, फालिस मरले बा, 4 महीना हो गए। कितनो दवाई भेला ना अच्छा भेला, खटिया पर पड़ल मरण, पैसा नहीं के की दवाई। आपके मरलो कितने बार का हो? बाय धक घर में से निकाल दिया ला। उनको मेहरारू कहलस की ई रही तो हम ना रह, तो कहे कि तू 5 बरस जियो तो ओकरा संगे जिंदगी बीते। उनके बाय धक घर में से निकाल के ताला बंद कर दिया। यहां पे क्या आधार कार्ड है? ये आधार कार्ड आपे के है? हां। आप जिंदा बानी, मतलब आपके कागज में मार के आपके सारी संपत्ति मकान उकान अपनी नामे करा ले। हमें नगर पालिका भी शामिल बा रसड़ा? हाँ, वही जिससे न कर ले। ठीक है, शामिल हो सकेला हमें। अब हमके का मालूम बा? नगर पालिका के कर्मचारी और कार्यवाहक अध्यक्ष सहित भी इसमें लोग शामिल बा? हाँ, सब साल में शामिल हो के ना सब भेल बा। अरे पूरा माल छोटी मस्जिद चलाने वाला हूँ। मेरी माँ मैमुनैसा, पिता जैनुल अंसारी, मेरी माँ भी जिंदा है, पिता भी जिंदा है, और जो है ये जो है मैं गुहार जो है ना एसडीएम महोदय को जो है ना दिया हूँ, अवगत कराया हूँ कि मेरी माँ को जो है ना सन 2017 में जो है ना मृत घोषित करा दिया गया है। ये जो है कार्यवाहक जो है ना रसड़ा नगर पालिका के वशिष्ठ नारायण सोनी है, उनसे मिली भगत जैसे भी बना करके जो है ना रिश्वत के बल पे, वो भूमाफिया है मेरा भाई, बहुत बड़ा उसका जो है ना संपत्ति भी है, उसके बावजूद भी जो है ना इस तरह का गंदा काम किया है मेरे माँ बाप के साथ। मैं भी भाई हूँ, मगर उनको जो है ना मार पीट करके जैसे भी जो है ना हटा दिया और उन नाम जो है ना चढ़वा लिया है परिवार स्तर के नकल में, और गिरीकर में भी नाम चढ़वा लिया है। अब कह रहा है कि मेरा है, मैं इसीलिए गुहार लगा रहा हूँ कि मुझको न्याय मिले, उसको दंड से दंड सजा मिले, जो किया उसको भी सजा मिले। इस तरह के कितने लोगों को जो है ना नगर पालिका ने मृत घोषित कर दिया, ये बार बार की इन लोगों की परंपरा है। मैं बहुत परेशान हूँ अपने माँ बाप को लेकर के, और मैं चाह रहा हूँ कि न्याय मिले इन लोगों को। मैं इकबाल अंसारी, पूर्व अध्यक्ष व्यापार मंडल रसड़ा। क्या मामला है? रसड़ा के अंदर एक मामला संज्ञान में हमारे आया, जो नगर पालिका के द्वारा एक 15 वार्ड की महिला को मैमुनैसा जो जिंदा है नगर पालिका द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है, और उस पे
उस मामला को संज्ञान में लेते हुए तहसील दिवस पे माननीय एसडीएम साहब के समक्ष मामला रखा गया और थाने में भी उसके भूमाफिया शमशाद अंसारी के खिलाफ कार्रवाई के लिए दिया गया। अब तक मुझे लगता है कि कार्रवाई नहीं हुआ और इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। भूमाफिया का नाम लिए हैं, ये इससे उस महिला क्या संबंध है? ये शमशाद अंसारी जो है उस महिला का छोटा लड़का है जो घर दुकान और सारी प्रॉपर्टी जो है उनको मृत दिखा करके नगर पालिका से मिली भगत करके और उनको मृत घोषित करा दिया है, जिसका एविडेंस आपको मैंने उपलब्ध कराया है। जी, तब इसके द्वारा कोई प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई भी नहीं हुई अभी तक? मुझे लगता है कि प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी मामला सिटी इंचार्ज सारे लोगों को दिया गया है, उन लोगों से न्याय की उम्मीद है। हम व्यापारी अध्यक्ष रहे, हमारे पास मामला संज्ञान में आया और हम सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।